अब हमारी हैसियत यह बन गई है, हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत की हैसियत। वैसे भारत विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला है। भारत के ऋषि और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। लेकिन आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी घटनाओं को हमारी सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती है मेरे बहन भाई। क्या मैं दो दूर शब्दों में आप सबको बताना चाहता हूं। पहले आर्थिक दृष्टि से यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जीडीपी के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर आता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा किया है बहन भाइयों कि हमारा भारत 9 वर्षों के अंदर ही जो 11वें स्थान पर था छलांग लगाकर आज 5वें स्थान पर वह पहुंच गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, यहां तक कि मॉर्गन स्टेनले ने भी यह कहा है, एक बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म यह दुनिया की मानी जाती है, उसने भी कहा है कि अभी सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आगामी 3 वर्षों के अंदर भारत अर्थव्यवस्था के आधार के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। हमारे प्रधानमंत्री का पक्का भरोसा है 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते हमारा यह भारत दुनिया का एक विकसित भारत बन जाएगा। डेवलप्ड कंट्री के रूप में भारत सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने राजनीति की है, राजनीति के माध्यम से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन शासक के रूप में वह भूमिका अपनी नहीं निभाते हैं, बल्कि एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई प्रधानमंत्री अपने हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर सफाई करने के लिए, गलियों की सफाई करने के लिए निकलेगा? क्या भारत में कभी किसी ने सोचा कि देश का प्रधानमंत्री गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों की माताओं बहनों की इज्जत और अस्मत का ध्यान रखते हुए, जैसे बड़े परिवारों में, बड़े घरों में बड़े बड़े शौचालय होते हैं, हमारे गरीब माताएं और बहनें हैं जो कि कच्चे मकानों में रहती हैं, झोपड़ियों में रहती हैं, उनकी भी इज्जत और आबरू होती है, उनके लिए भी शौचालय बनना चाहिए। पहली बार इस काम को किसी ने हाथ में लिया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच को दर्शाता है। जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों को उड़ीसा के विकास के लिए जो कुछ भी करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। लेकिन पहली बार आजाद भारत के इतिहास में उड़ीसा के समग्र विकास की चिंता यदि कोई कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।